हेलो दोस्तों, वरुण धवन और कृति सनन की फिल्म भेड़िया हो चुकी है सिनेमाघरों में रिलीज। तो कैसी है फिल्म भेड़िया की कहानी, आइए जानते हैं। भेड़िया की कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक छोटे से कॉन्ट्रैक्टर भास्कर से, जिसे अरुणाचल प्रदेश के एक इलाके में सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सड़क जंगल के बीचों बीच से निकलनी है, पर इस जंगल पर यहाँ के कई लोग, कई प्रजातियाँ और कई जानवरों की जिंदगी निर्भर है। वरुण धवन अपने चचेरे भाई जनार्दन को लेकर यहाँ पहुँचता है, लेकिन यहाँ पहुँचते ही वरुण धवन को एक भेड़िया काट लेता है। फिर वरुण बन जाता है इच्छाधारी भेड़िया। अब ये इच्छाधारी भेड़िया क्या करता है, उसके प्रोजेक्ट का क्या होगा, क्या वरुण ठीक हो पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस फिल्म की कहानी मुझे जितनी पसंद आई उससे कहीं ज्यादा बधाइयां मैं इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के लिए देना चाहूंगा। निर्देशक अमर कौशिक स्त्री के रूप में राज और डीके की जोड़ी के साथ बढ़िया कॉन्सेप्ट और क्लेवर राइटिंग का गजब की पेशकश हमें दे चुके हैं। भेड़िया अमर और लेखक नीरज भट्ट की वैसी ही कोशिश है, जो एग्जीक्यूशन के मामले में शायद उससे भी आगे जाती है। फर्स्ट हाफ में ये फिल्म आपको बांधे रखेगी और सेकंड हाफ आपको चौंकाने, हिलाने और इमोशनल करने का काम करेगा। हालांकि सेकंड हाफ में कुछ हिस्से आपको खींचे हुए लगते हैं, फिल्म की लेंथ को थोड़ा सा कम किया जा सकता था। निर्देशक अमर कौशिक की कहानियों की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप फिल्म देखने जाते हैं तब आपको उम्मीद होती है एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट फिल्म की, लेकिन जब आप सिनेमा घर से निकलते हैं तब मनोरंजन के साथ साथ आपके थैले में कब मैसेज का पैकेट रख दिया जाता है आपको पता भी नहीं चलता। इस फिल्म में सोने पर सुहागा का काम करती है इसकी क्लेवर राइटिंग, और यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी की हर लाइन पर आप हंसेंगे भी और सोचेंगे भी। इस फिल्म के VFX के बारे में बात करें तो यकीन मानिए कि इस फिल्म की सबसे बड़ी USP VFX ही है। चाहे वरुण का भेड़िया में तब्दील होने का सीन या फिर जंगलों में जाने का, इस फिल्म का VFX आपको चौंका देगा। यह फिल्म 3D में है और जंगल के सीन से लेकर कई सारे सीन आपको चौंका देगा। इतना ही नहीं, यह फिल्म आपको अपने क्लाइमेक्स में जंगल बुक की याद दिला देगी। इस फिल्म के एक सीन में जब भेड़िया आपकी तरफ आएगा तो बस आप कुर्सियां पकड़ लीजिएगा। कहानी में कई मुद्दों को बड़ी स्मार्टली से जोड़ा गया है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीन का कहना या उनकी कमजोर हिंदी के चलते उन्हें कम भारतीय आंकना, दूसरे राज्यों से आए लोगों को बाहरी कहना और उन्हें लगातार याद दिलाना जैसे कई बातें इस कहानी में बड़ी सहजता से जोड़ दी गई है। इसके साथ ही आपको जानी दुश्मन राहुल रॉय की जुनून, मोगली सीरियल का वो गाना चड्डी पहन के फूल खिला है, और यहाँ तक कि शहनाज गिल का फेमस डायलॉग तो मैं क्या करूँ मर जाऊँ जैसे रेफरेंस भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। अभिनय की बात करें तो वरुण धवन अक्टूबर और बदलापुर जैसी फिल्मों से साबित कर चुके हैं कि उनमें काफी कुछ है, और ये फिल्म उनके इस काम को आगे बढ़ाएगी। भेड़िया में वरुण शानदार अभिनय करते नजर आ रहे हैं, ये फिल्म उनके करियर की शानदार फिल्म में से एक होगी। वही अभिषेक बनर्जी का अंदाज और उनके डायलॉग आपको हंसाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। हालांकि कृति सनन का स्क्रीन टाइम काफी लिमिटेड है, लेकिन वह इस हॉरर ड्रामा कॉमेडी में फुल ड्रामा क्रिएट करती नजर आई है। तो दोस्तों, इस फिल्म को आप अपने फैमिली के साथ जरूर देख सकते हो, इस फिल्म में ऐसे वैसे वाला कोई सीन नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने भेड़िया मूवी देख ली हो या नहीं, और देख ली हो तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।